गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये क्लाउड वाला मेकअप लुक है ये जो मैंने अपनी चीक्स पर इसे क्रिएट किया है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले मैंने एक येलो कलर ले लिया है। येलो कलर की हेल्प से मैं अपने नोज़ पर येलो कलर लगाऊंगी। यू नो, एक सनसेट टाइप लुक में चाह रही थी तो इसलिए मैंने येलो कलर को लिया और उसे अपने नोज़ के अराउंड मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। एंड अभी थोड़ा लाइट दिख रहा है येलो कलर, एट द एंड में मैं उसे डार्क कर लूँगी। देन मैंने पिक किया है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर को मैं उसके साइड में फेड करूँगी। यू नो, ब्लेंडेड दिखना चाहिए सब कुछ। फिर उसके ऊपर अच्छे से ब्लेंड करूँगी, कलर पिक करूँगी एंड देन ब्लेंड करूँगी, एजेस को ब्लेंड करूँगी कि कोई हार्श ना दिखे। यू नो, बिल्कुल स्मूथ और फ्लॉलेस दिखना चाहिए आपके कलर। एंड देन उसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ, यू नो, रेडिश पिंक कलर में अप्लाई करूँगी। यू नो, डार्क लाइट डार्क 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 इस टाइप से मैं कलर को लेके जाऊंगी। तो सबसे पहले येलो लगाया जो कि लाइट था, देन ऑरेंज लगाया एंड देन मैं यो पिंकिश रेड कलर लेकर उसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी, अप्लाई करूंगी। एंड एट द एंड में मैं एक कह सकते हो बैंगनी कलर, पर्पल डार्क कलर लेकर अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। इससे पूरा लुक मेरा इवन आएगा। अब इन सभी को मैं सिर्फ क्या करूंगी, टचअप करती जाऊंगी। एक कलर अप्लाई करूंगी, फिर उसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी, उसके एजेस को ब्लेंड करूंगी। कुछ भी हार्श नहीं दिखना चाहिए, फ्लॉलेस सीमलेस कलर दिखना चाहिए, बिल्कुल ब्लेंडेबल। एंड देन नेक्स्ट कलर लूंगी, फिर उसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। कोई सा कलर लाइट ना हो जाए, कोई सा कलर डार्क ना हो जाए, इन सबको माइंड में रखते हुए मैं सारे कलर को वापस से अगेन एंड अगेन मैं वही स्टेप फॉलो करती जाऊंगी और उसको प्रॉपर लुक दिखाऊंगी कि इस टाइप से मुझे लुक चाहिए, ब्लेंडेबल चाहिए। चिन के यहाँ पे मैंने कुछ फिरोजी कलर में कलर लिया है, क्लाउड का ही होता है ये वाला, तो मैंने यहाँ पर कुछ डिफरेंट कलर यूज़ किया है। उसे अप्लाई करने के बाद अच्छे से ब्लेंड करती जाऊँगी। कलर अप्लाई करना, ब्लेंड करना एंड देन यहाँ पर कंसीलर की हेल्प से मैं क्लाउड बनाने की कोशिश कर रही हूँ। गाइज, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, आई होप आपको पसंद आएगा ये वाला मेरा लुक। मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से क्लाउड बनाऊँगी। स्लोली स्लोली आपको क्लाउड बनाने हैं, बिल्कुल शेप देते हुए। अगर आपको डायरेक्टली अपने फेस पर नहीं बनाना आता है तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो हाथ वगैरह पे, तो बहुत इजी होगा आपको फेस पर बनाना। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने डायरेक्ट फेस पर बनाया है, इससे पहले कोई प्रैक्टिस नहीं करी है। एंड और मज़े की बात ये है कि ये बिल्कुल बन भी गया है परफेक्ट। आप देख सकते हो बिल्कुल क्लाउड वाला इफेक्ट आ रहा है। तीन एक चीक्स पर तीन क्लाउड बनाऊंगी एंड देन सेकेंड पर भी तीन क्लाउड बनाऊंगी, ऐसा मैंने प्रॉपर रखने की कोशिश करी है। और अच्छे से कंसीलर की हेल्प से मैं ब्लेंडिश टाइप लुक भी दूंगी और देख सकते हो आप एंड में मैं दे रही हूँ। अब चिन के यहाँ पर भी मैं एक अच्छा सा बड़ा सा क्लाउड बना लूँगी क्योंकि ऑल ओवर पूरे फेस पर मैंने क्लाउड मेकअप करा है। तो चिन पर फॉरहेड पर नहीं लेके जाऊँगी, चिक्स पर चिन पर ही करूँगी। एंड देन साइड में मैं टेम्पल्स पर अपने ब्लश अप्लाई करने वाली हूँ। डार्क कलर का ब्लश, ऑरेंज या पिंक ले सकते हो। अच्छे से ब्लेंड करते जाना है। इसको थोड़ा सा मैं डार्क दिखाऊंगी कि मेरे जो भी स्टार्स बनाऊं या पॉइंट या डॉट बनाऊं तो वो प्रॉपरली विजिबल हो। एंड अपने प्रॉपर जॉइन करते हुए लेके जाऊंगी, यू नो, टेम्पल से चिक्स और फॉरहेड का जो कलर है उसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। एंड बीच में कोई मैशअप ना हो इसलिए मैं एक बिल्कुल ही खाली वाला, मतलब जिस पर कोई भी कलर ना हो, उसे ब्लेंड कर लूँगी। देन अब बारी आती है डॉट डॉट अप लगाने की। तो मैं एक पॉइंटेड ब्रश लूँगी जो कि लाइनर का होता है। आपको जो बेटर लगे, जो जुगाड़ आप कर सको इस पॉइंट बनाने के लिए, आप वो कर सकते हो। मैंने यहाँ एक पॉइंटेड ब्रश लिया है, उसकी हेल्प से मैं डॉट डॉट लगा रही हूँ। जैसे आप देख सकते हो हर जगह पर डॉटिंग करूँगी ना तो पूरा जो फेस है वो मेरा भरा भरा दिखेगा और क्लाउड वाला इफेक्ट आएगा, बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा। अब मैं यहाँ इससे ही स्टार बनाने की कोशिश कर रही हूँ, यू नो, प्लस साइन बनाकर उसे अच्छे से स्टार का शेप दे रही हूँ। दो तीन पूरे फेस पर बनाऊंगी। देखिए अभी मैं बना रही हूँ प्लस का साइन करके, उसे बीच में से स्टार शेप देकर एक ब्यूटीफुल सा स्टार बना रही हूँ और उससे यू नो क्लाउड इफेक्ट आ जाएंगे, डॉटिंग इफेक्ट एंड स्टार्स, ये सब मिलकर मेरा जो फेस है वो प्रॉपर जोन सा मैं लुक क्रिएट करना चाहती हूँ वो मुझे अचीव हो जाएगा। और धीरे धीरे आपको सब कुछ करना है। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो आपको बहुत धीरे धीरे हाथों को चलाना है, मतलब फास्ट नहीं जाना, नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है इस टाइप के मेकअप लुक्स में। आपको बहुत यू नो धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत धीरे धीरे करना होता है सब कुछ।
और अपने चिन के यहाँ पर भी मैं बना रही हूँ थोड़े से स्टार्स की ऑल ओवर पूरे फेस पर, यू नो स्टार्स दिखे, पॉइंट्स दिखे, क्लाउड्स तो दिख रहे हैं जिसे हमने चिक्स पे बनाए हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब मैं लिपस्टिक को चेंज करूँगी, लिपस्टिक को थोड़ा सा बोल्ड रखूँगी मैं, तो मैं यहाँ थोड़ा सा बैंगनीश कलर लूँगी। आप कोई सा भी कलर आपको जो बेस्ट लगे आप ले सकते हो, डार्क पिंक भी चल जाएगा, पर मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगा था क्योंकि पूरे फेस पर डार्क था तो लिप्स को भी डार्क रखना बनता ही है। तो ये सा मैंने लिपस्टिक क्रिएट किया है एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक गाइस। आई होप आपको ये वाला लुक पसंद आया होगा। क्लाउड इफेक्ट है पूरे चिक्स पर, चिन पर, फॉरहेड पर, टेम्पल्स पर, स्टार्स है, डॉटिंग मैंने बनाई है। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। एंड ओके गाइज, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय गाइज़।